अगर आप मेट्रो से भूली भटियारी महल जाना चाहते हैं तो आपको झंडे वाला मेट्रो तक आना पड़ेगा। वहां से हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक पीछे ही भूली भटियारी महल का रास्ता जा रहा है। आज हमारी टीम पड़ताल करने निकली है भूली भटियारी महल के इतिहास के बारे में। थोड़ी दूर चलते ही हमें समझ आ गया कि भूली भटियारी महल को डरावना क्यों कहा जाता है। यहाँ के सुनसान रास्ते और यहाँ के भूतहा दिखने वाले पेड़ पौधे ही यहाँ के डरावने एहसास को बढ़ा देते हैं। हमारी टीम ने और पड़ताल करने की कोशिश करी तो आगे चलते हुए हमें कई ऐसे पेड़ पौधे और चील दिखाई दी जो यहाँ के माहौल को और खतरनाक बना देती हैं। अगर रात में यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा तो अमूमन डर लगना तो लाजमी है। वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत कुछ है जहाँ हर साल सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस की आती है तो लोग घूमने के लिए काफी उत्सुक दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं देव चौहान और आप देख रहे हैं ब्रदर्स इन फेट। आज मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली की भूतिया जगहों में से एक भूली भटियारी का महल। चलिए जानते हैं भूली भटियारी महल के बारे में। इस महल का इतिहास बहुत रोचक है, जिसे लगभग 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि उस समय तुगलक शासकों द्वारा इसे शिकार लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे और इसी जगह पर जानवरों को मार कर भी रखा करते थे। लेकिन तुगलक शासकों के बाद यह महल खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। भूली भटियारी महल के सामने पहुंचने पर हमें दिखाई दिया एक बेहद ही डरावना और खंडहर हुआ महल, जिसे लोग जानते हैं भूली भटियारी के महल के नाम से। सामने दरवाजे पर ताला देखकर हम मायूस हो गए। स्थानीय लोगों से पूछने के बाद पता लगा कि कई घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं, जिसके कारण अंदर जाना वर्जित कर दिया गया है। बहरहाल, हम तो पड़ताल करने आए थे तो हमने आसपास के इसके इलाके में पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस महल को लेकर कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है वैसे ही यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। साथ ही यह जगह रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक लगती है, इसीलिए रात को यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं भटकता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस महल से अजीबोगरीब प्रकार की भूतहा घटनाएं भी होने लगती हैं और यहाँ से कुछ जानवरों की भी आवाजें आती हैं जो इस जगह को डरावना बनाती है। कहा जाता है कि राजस्थान से एक भूरी नामक भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक गई थी और वह इस महल में आकर रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही महिला ने यहीं दम तोड़ दिया। लोगों का मानना है कि उस महिला की आत्मा महल में भटकती रहती है। शायद इसे इसलिए भूली भटियारी का महल कहा जाता है। क्या आपको इसी प्रकार के व्लॉग और देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और अगर नहीं देखने हैं तो मैं पहले की तरह ही आपको व्लॉग बना के दूंगा। देरी से व्लॉग डालने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और एडवेंचरस भरे सफर पर। तब तक के लिए मैं देव चौहान
आप सभी से विदा चाहता हूँ। राम राम।